क्राइम ब्रांच के यूनिट एक की टीम ने गोपनीय जानकारी के आधार पर कार में सवार एक युवक से 3,13,000 रुपए की ई सिगरेट जब्त की है। पकड़ा गया युवक पवन कुमार राजकुमार झारिया बताया गया है। पुलिस दस्ते को जानकारी मिली थी कि माटे चौक के समीप टेक्सास स्मोक शॉप के सामने एक कार खड़ी है। कार में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित ई सिगरेट रखी है। खबर मिलते ही यूनिट एक की टीम ने छापा मारा। कार की तलाशी लेने पर अलग अलग प्रकार और फ्लेवर की ई सिगरेट बरामद हुई। पुलिस ने 3,13,000 रुपए की सिगरेट और 5,00,000 के वाहन सहित 8,13,000 रुपए का माल जब्त किया है। पवन के खिलाफ राणा प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। उसने सिगरेट कहां से खरीदी और किसे बेचने जा रहा था, इसकी जांच जारी है। इंस्पेक्टर शुभांगी देशमुख के नेतृत्व में उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह गौरव काटकर नामक व्यवसायी के पास ड्राइवर के रूप में काम करता है और यह सारा माल उसी का है। अब पुलिस इस मामले में गौरव काटकर की भी तलाश कर रही है। पोलीस ठाणे राणा प्रताप नगर हद्दीमधील माटे चौकाच्या जवळ असलेल्या टेक्सास स्मोक शॉपच्या समोरील सार्वजनिक रस्त्यावर ई सिगारेटचा माल एका गाडीत असल्याची आम्हाला गोपनीय खबर मिळाली होती। त्यानुसार आमच्या युनिट क्रमांक 1 पथक बातमीची खात्री करण्याकरता सदर ठिकाणी गेले असता फोक्स वॅगन गाडी क्रमांक MH 49B 2959 मध्ये आरोपी नामे पवन कुमार रामकुमार झारिया वय 22 हा प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटचा डिव्हाइसेस आणि विविध फ्लेवर असा एकूण 3,13,800 रुपयाचा माल फोक्स वॅगन कारमध्ये बाळगून असल्याचे आढळून आलेलं आहे। त्यावर 2 कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि पुढे गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही चालू आहे। ही जी एकूण माल आहे हा 3,13,800 रुपयाचा आहे। गाडी जी गुन्ह्यात जप्त करण्यात आलेली आहे फोक्स वॅगन कार ती 5,00,000 रुपये किमतीची आहे। अशी एकूण 8,13,800 रुपयाची रेड कारवाई करण्यात आलेली आहे। आरोपींनी हा माल कुठून आणला होता याबद्दल त्याच्याकडे विचारपूस चालू आहे। पुढील तपास चालू आहे। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।